बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो 132 केवी के लाइन अगर हो और 40 एमवीए का अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर हो तो उसके एम्पेयर हम किस तरीके से मालूम करेंगे, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास वोल्टेज है 132 केवी और हमारे पास जो पावर है यानी कि ट्रैफो जो है वो हमारे पास 40 एमवीए का है। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली होगा I इक्वल्स टू S ओवर अंडर रूट 3 ओवर V। S ये बेसिकली अपेरेंट पावर है यानी कि कितने एमवीए जो ये अपेरेंट पावर है, तो हम इसको पुट कर लेते हैं 40 एमवीए और अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास वोल्टेज कितने 132 केवी नहीं आएगा क्योंकि ये बेसिकली कट जाएगा। ये हमारे पास कुछ 4000 हो जाएंगे 40000 और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 228 आएंगे। करके देख लेते हैं हम 1.732 मल्टीप्लाई पर 132 ये 228 आ गए। अब अगर हम 40000 को डिवाइड करते हैं 228 से तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 175 एम्पेयर आ जाए। तो यानी कि 132 केवी लाइन पे हमारे पास जो एम्पेयर आएंगे अगर मैक्सिमम हम इसको लोड पे चलाते हैं 40 एमवीए के ट्रांसफार्मर को तो हम ये इससे 175 एम्पेयर ले सकते हैं EHT। ये बेसिकली एक कैलकुलेशन थी, उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।